राहुल भाई रुके ना प्लीज येऊन दे ना यार क्लियर बोलायचं सबको सब रास्ता पता है तुमको घटे उनको पकड़ के आ रहे हैं आप उन्हें ब्लॉक कर रहे हैं उनको अंजलि साहब यहाँ पे लाइसेंस
मैंने बैग है क्या माजी अमोल मिठाइयों को ये जो है हां हां कैमरा ना
सर सामने राजू जी के साथ में चल भागे जल से नहीं सब साथ में ले आगे 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 पीछे पीछे थोड़ा पीछे थैंक यू अरे हो गया ना अभी हो गया ना अभी तो फोटो ना बैठ ना थोड़ा सो जाओ ठीक है सुन के हालत का ऊपर से मंदिर में भाई आजू बाजू वाले हट जाओ थोड़ा यहाँ पर
सर सामने यहाँ पर सर जीतू सर यहाँ पे सर सर इधर 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 Gracias.
ये आज मेरे लिए एक बहुत बड़ा द बिगेस्ट इवेंट ऑफ माई लाइफ, जिस दिन की हमारे दिलीप साहब का एक ऑटोबायोग्राफी बुक जो रिलीज हो रहा है, और मैं बहुत खुश हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उनके जीवन का भी एक प्यारा सा छोटा सा भाग रहा हूँ। और जब आप दिलीप साहब की किताब पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा एक महान कलाकार कैसे बनता है, कैसे बड़ा होता है। खाली कलाकार ही नहीं, मतलब एक इंसान, महान इंसान बनता है, उसका नाम है दिलीप कुमार। शुभाजी, 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 एक legend, and he is so fond of music, and it is a great opportunity for all of us to be here, and we have all come to pay our respects to him. I hope he has a long life. We are really proud of him. Hello, are you? हमेशा से रहा हूँ, तो मुझे बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था कि ये किताब कब आए और मुझे पढ़ने का मौका मिले उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके काम के बारे में, उनके अनुभवों के बारे में। तो आई एम रियली थ्रिल्ड कि आज फाइनली ये वो दिन आ गया है और हम सबके हाथ में वो किताब होगी और हम पढ़ पाएंगे। आप कुछ पढ़ेंगे भी मंच के ऊपर आज, कुछ आप इंट्रोडक्शन, कुछ लॉन्च? जी हाँ, प्रसून जी ने एक कविता लिखी है जो मैं पढ़ूंगा। खास प्रसून जी ने कविता आज यूसुफ साहब के लिए लिखी है जो मैं पढ़ के सुनाऊंगा। आमिर, आमिर आज आमिर आपको अंदर ही देते हैं। सर आपने पूछा, आमिर आज यहाँ Gali sir, Gali sir, Gali sir. Come on, let's move.
बड़े दिन के बाद दिलीप साहब की जब मैं छोटा बच्चा था 6 साल का तो पहली पिक्चर मैंने देखी थी वो दिलीप साहब की पिक्चर थी और मुझे पता भी नहीं था क्योंकि मैंने कोई पिक्चर देखी नहीं थी तब और बाद में पता चला जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ हिंदी समझ में आई तो पता चला ये दिलीप साहब हैं और वो फिल्म नया दौर थी और उसके बाद मैं दिलीप साहब का फैन बन गया और उनकी हर पिक्चर देखता रहा और हर पिक्चर उनकी गजब की दिल दिया दर्द दिया मुगले आजम गंगा जमुना सारी पिक्चरें मैंने देखी। मेरी बदकिस्मती है कि मैंने उनके साथ काम नहीं किया, काम करने का मौका नहीं मिला। मैम एक्सक्यूज मी अबाइट I feel really good to be here. Very excited about this book launch. I'm hoping a lot of senior members of the industry will be here. So it's a very good feeling to be here. Imran aaj pitaji bane Imran. Mujhe khabar mili nahi hai, really? Haan, baby girl. Oh really? That's amazing. Congratulations. Yeah. Great. See you. सिक्योरिटी
जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही बड़ा दिन है क्योंकि दिलीप कुमार साहब एक लेजेंडरी एक्टर रह चुके हैं और उनके बारे में एक किताब लिखी गई है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है, तो आई एम वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। हाँ बिल्कुल, ही इज़ बीन एन इंस्पिरेशन टू नॉट ओनली एक्टर्स बट अदर्स ऑल्सो इन दिस वर्ल्ड, और एज एन इंस्पिरेशन आई वुड लाइक टू नो हाउ ही अप्रोच हिज रोल्स एंड यू नो व्हाट ही वेंट थ्रू व्हेन ही डिड ऑल ऑफ दैट। थैंक यू। मुबारक दिन है, आज की शाम के बारे में ये है कि यूसुफ साहब की ऑटोबायोग्राफी रिलीज़ होने जा रही है, तो आप दुआ करें कि जितनी मेहनत से हमने आप सबके लिए बनाई है तो अल्लाह करे आपको उतनी उससे ज़्यादा पसंद आए। खास बातें क्या रहेंगी? खास बातें ये रहेंगी, अभी आप देखते जाइए कि लाइटिंग ऑफ द लैम्प है, फिर उनके फिल्मों के कुछ गाने हैं, उसके बाद कुछ लोग जो उनको बहुत एडमायर करते हैं, जो प्यार करते हैं, अब ये सब हमारी फैमिली है फिल्म इंडस्ट्री की जो आई है, तो वो कुछ कुछ कहेंगे उनके बारे में और फिर बाद में किताब रिलीज होने जाएगी। है हाँ है ना, हाँ वो रिलीज करेंगे। उनकी तबीयत खराब है, गैस्ट्रो इंट्राइटिस हो गया है। हर 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 लफ्ज मुझे बहुत पसंदीदा है, हर चैप्टर बहुत ख़ास है, और इसीलिए मैंने लिखवाया है कि सबसे पहले आप लोग उनके मुंह से सुने जो बातें आप सबको नहीं मालूम है।
आई थिंक दिलीप साहब एक दिग्गज ऐसे हैं फिल्म इंडस्ट्री के जिनके बिना इस फिल्म इंडस्ट्री का नाम कभी नहीं लिया जाएगा. एंड आई एम वेरी ऑनर्ड कि सायरा मैम और दिलीप साहब ने मुझे यहाँ बुलाया ऐसे एक मुकम्मल एक इवेंट का हिस्सा होने के लिए. आई थिंक मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं मेरा उनके साथ तकल्लुफ हुआ और मैं उनको जान पाई दोनों दिलीप साहब एंड सायरा मैम को. एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी वेरी क्लोज. सायरा जी मैं बता रही थी कि आपको काफ़ी क्लोज मानती है, आप जन्मदिन वगैरह में भी शामिल हुई हैं. सायरा मैम और दिलीप साहब काफ़ी करीब रहे हैं मेरी और मेरी फैमिली के. एंड मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने आज मुझे यहाँ बुलाया और मैं शामिल हो सकती. और कुछ कहना चाहेंगे आपकी शाम के बारे में, कुछ खास बात जिसके लिए आप सोच रही हो जो यहाँ पे होगी? आई थिंक यहाँ पे बहुत ऐसे बड़े बुजुर्ग बहुत बड़े स्टार्स आए हैं और मैं बस इस अमेजिंग इवेंट का हिस्सा बन पाई हूँ उसके लिए बहुत खुश हूँ. थैंक यू. कोई ऐसी फिल्म यादगार फिल्म जो आपके दिलीप साहब को लगती है? उनकी सारी फिल्में, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता कि कोई सोच सके. दिलीप साहब जब भी पर्दे पर आते हैं सिर्फ उन पे नजरें रहती हैं. हर एक्टर उनसे प्रभावित है. Biography. कुछ खास यादें आप उनसे जुड़ी हुई आपके साथ? उनकी पहले यादें तो सारी फिल्मों के साथ ही है. दिलीप साहब के साथ ऑफकोर्स काम करने का कभी मौका नहीं मिला, लेकिन उनकी बहुत सारी फिल्में देखी और बहुत सारी यादें जुड़ी हुई. कहीं अफसोस रहेगा कि उनके साथ काम करने का मौका मिला? जी उम्मीद अब भी जारी है, मिलेगा शायद आगे फ्यूचर में. मेरा ख्याल ये सही है, बिल्कुल सही है. जैसे मैंने कहा इज द गॉड, इज अ लेजेंड, इज वेल जैसे आई थिंक यंगस्टर्स के नॉट पॉसिबली कमेंट ऑन द लेजेंड दैट इज बट फॉर श्योर यस ऑफ कोर्स एब्सोल्युटली. Okay, God bless. Wish him the very best. They have a lovely, wonderful family now with a child, and I wish him the very best. God bless. Thank you so much.
सर दो सवाल मैं दिलीप साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ और ये उनके लिए तो बहुत बड़ा दिन है, तो मेरे को उनके किसी फंक्शन में आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कोई मेमोरी याद है आपको, कोई भी ऐसी मोमेंट जो आप एक साथ कभी मिले हो और चर्चा रही हो, यादगार पल कभी रहा हो? मैं इनको मद्रास में मिलता था जब ये रामा श्याम की शूटिंग कर रहे थे, मैं फर्श की कर रहा था, तो मैं तो इनको देखता रहता था। थैंक यू। आई थिंक मैं उनके बारे में क्या कहूँ, उनसे मेरी बहुत बार मुलाकात हुई है, बहुत प्यार से मिलते और मेरे पिता और उनके बहुत नज़दीकी संबंध थे। वो मेरे पिता के हीरो थे, तो मेरे लिए हीरो से बढ़कर है। और मुझे लगता है आज बहुत बड़ा दिन है कि आज उनके ज़बानी उनकी कहानी हमें पता चलेगी। सो आई एम हियर टू सपोर्ट हिम, विश हिम बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड लॉट्स ऑफ लव। हाँ जी, आप भी उनके साथ काम करने का एक अवसर मिलता आपको? नहीं यार, वो तो हर एक्टर की ख्वाहिश रहेगी कि काश उनके साथ एक फिल्म मिले, पर इस फंक्शन में मुझे, मैं यहाँ पर हूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मुझे एक इनवाइट उनका मिला कि आप इस फंक्शन में आए, मुझे लगता है ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जब से हम लोगों ने फिल्में देखी है, एक्टिंग देखी है, मुझे लगता है उन्हीं के वजह से है। और उन्होंने जिस अंदाज से अपने आप को तराशा है, जिस अंदाज से हमने हिंदी फिल्में देखी है, वो इन्फ्लुएंस तो हमेशा रहेगा, एक हिंदी फिल्मी पना हमेशा रहेगा। तो इतने सारा आइकॉनिक सीन्स है, आज जब भी मैं जब फिल्में करता हूँ तो कुछ सीन्स कहीं पर उनकी नकल उतारता हूँ या उनकी तरह बोल देता हूँ डायलॉग्स, तो आई थिंक इट्स अ ह्यूज थिंग फॉर अस ऑल्सो कि कहीं हम कॉम्प्लीमेंट करें, कहीं मजाक नहीं उड़ा रहे, बट यू नो इट्स आउट ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव। थैंक यू। इमरान भी फादर बन गए हैं? बन गए जी कभी वो। वाह, कंग्रेचुलेशन, लॉट्स ऑफ लव एंड कंग्रेचुलेशन इमरान। थैंक यू। करियर ग्राफ है, आई थिंक दैट हैज़ बीन, ही इज़ अ लेजेंड एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव हिम अमंगस्ट अस, एंड आई थिंक दिस बुक विल बी अ ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू मी। कुछ विशेष बात उनसे जुड़ी जो आप हमारे साथ बांटना चाहेंगे? वो मेरे लिए बहुत ही आई थिंक स्पेशल इंसान है, क्योंकि उनकी जो क्लोजनेस मेरे पिताजी के साथ थी, बहुत ही वो क्लोज रहे हैं और बचपन से ही हम नेबर्स रहे हैं, सो ही इज़ ऑलवेज बीन अ सरोगेट फादर टू मी, एंड सो यस ऑफ कोर्स ही इज़ वेरी वेरी स्पेशल। संजय जी के ऊपर फिल्म बनाई जा रही है जी, अभी तक उसका कुछ ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ नहीं है, जब होगा तब आई विल डेफिनेटली स्पीक अप।
we don't know yet. So, I though Ranbir is my favorite actor. This is a good one.